Our today's topic is chapter Constitution. First of all, what is Constitution? Book of law according to which country is governed. ठीक है, set of rules भी आ सकता है. And in this paper, आपको जो MCQ है वो बच्चे वैसे नहीं आने जो आपको पहले आते रहे हैं. जैसे आपको 8th में आप सिंपल MCQs करके आए हो, वैसे MCQs नहीं है. आपके रीजन, assertion एंड रीजन वाले भी MCQs हैं. ठीक है, तो आपके ऐसे MCQs भी होंगे कि आपको 3 ऑप्शंस करेक्ट देख के भी पूछा जा सकता है, कि आपको कहा जा सकता है कि आप इसमें से मोर ऑप्शंस यू कैन टेक, या फिर ए बी ऑप्शन इज करेक्ट आपको ऐसे, या ए एंड बोथ ए एंड सी ऐसे भी आ सकता है. अगर आपको ये सब कुछ नॉलेज होगी देन यू कैन डू, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती हो जानी है. ठीक है, तो इसके लिए थोरो रीडिंग की जरूरत है. 5 मार्क्स आर विद यू, आपके हाथ में है. 3 मार्क्स फॉर द आंध्र प्रदेश एक्टिविटी जो आर्ट इंटीग्रेशन की है, एंड 2 मार्क्स फॉर कॉन्सेप्ट मैप गिवन टू यू फ्रॉम लेसन फ्रेंच रेवोल्यूशन. नेक्स्ट जब आपकी क्लास आए सेकेंड टर्म होगी तो आपका वो कॉन्सेप्ट मैप बन जाएगा फ्रॉम लेसन रशिया. एंड फिर आपको 2 एक्टिविटीज और मिलेंगी आंध्र प्रदेश की. फाइनल में एक आपकी फाइल बन जाएगी आंध्र प्रदेश वाली, आर्ट इंटीग्रेशन वाली, एंड 2 कॉन्सेप्ट मैप. मींस इस बार आपके 5 मार्क्स हैं, इसके नेक्स्ट टर्म में फिर 5 मार्क्स हैं, वो आपको फिर सेपरेट एक्टिविटी मिलेगी. आपको एक ही फाइल में सारा कलेक्ट करते जाना है, एंड में हमें सबमिट करनी है. तो टूडेज टॉपिक इज चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच कंट्री इज गवर्न्ड. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप यू नो इट वेरी वेल कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली दैट फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इंडिया में बनी थी 1946 में, डिवीजन से भी पहले. अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्मड इन 1946, तो आपको ये याद रखना है, बिफोर द पार्टीशन, पार्टीशन से भी पहले बनी थी. Who was the chairman of this Constituent Assembly? Dr. B.R. Ambedkar. Who was the president of this Constituent Assembly? Dr. Rajinder Prasad. Who prepared the draft Constitution in 1920? मैं पूछूं 28 दिया हुआ है ना बुक में, तो who prepared draft Constitution? पंडित मोतीलाल नेहरू, father of जवाहरलाल नेहरू. तो ये Constitution जो है, इसके आप कह सकते हो chairman बी आर अम्बेडकर, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए, तो बी आर अम्बेडकर. ठीक, तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हु प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर. और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर एंड उसके जो साथ उनके जो मेंबर्स थे, दे रेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज. उन्होंने कितनी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा एंड अडॉप्टेड द बेस्ट फीचर्स. हम बताएंगे कौन कौन सी पूछे जा सकते हैं, किस कंट्री से कौन सा फीचर अडॉप्ट किया. ठीक है, जैसे सोशलिस्ट सोसाइटी का फीचर कहाँ से लिया? रशिया. तो ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में. ठीक है, तो ये जो जो फीचर्स इसमें बताए हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. तो फीचर्स, अडॉप्टेड द बेस्ट फीचर्स, एंड इन्होंने ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दिया था 1948 में, दे दिया था रेडी करके ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने से पहले दे पब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ दैट टाइम. आस पीपल टू गिव सजेशंस, पीपल गेव सजेशंस. कॉन्स्टिट्यूएंट जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी मेड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सजेशंस गिवन बाय द पीपल. उन्होंने चेंजेस भी किए, जैसे जैसे लोगों ने कहा कि इस वे से चेंजेस कर दो, दे डिड द चेंजेस. Then they gave that draft constitution to Constituent Assembly in 1948 में दे दिया. For 1 year debates and discussions were held in Constituent Assembly. एक साल उस draft constitution पे debates and discussions हुए. Each and every clause को लेके वहाँ पे discussions हुए. And this constitution was totally ready in, आप कहोगे November 1949 को ये टोटल रेडी था. 26 नवंबर 1949 दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज टोटली रेडी, बट इन्होंने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, फोर्स में, पावर में नहीं लेके आए.
they waited for our framers, they waited for 2 months. Why they waited for 2 months? Because they wanted to give the honor to the day that was pledged by Pandit Nehru during Lahore session as Independence Day, 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day. Lahore session 1929 December month mein hua tha, jahan pe Pandit Nehru ne pledge li thi ke wo 26 January 1930 ko India mein Independence Day celebrate karke rahenge. बट वो इंडिपेंडेंस डे तब नहीं हुआ था, पता है ना? तो उस वो डे वैसे का वैसा ही रह गया. अवर फ्रेमर्स वांटेड टू ऑनर दैट डे, तो इसलिए दे वेटेड फॉर 2 months. नहीं तो 26 नवंबर हो जाती हमारी रिपब्लिक डे. उन्होंने वेट की, वेट करके उन्होंने 2 months के बाद दे गेव दैट कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडियन नेशन. ओन कब दिया इंडियन नेशन को? 26 जनवरी 1950. तो इसीलिए वो हमारी बन गई रिपब्लिक डे. 26 जनवरी हम एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो पंडित नेहरू के उस, आप कह लो ना कि उन्होंने ऑनर दिया उस डे को, रिस्पेक्ट दिया जो उन्होंने प्लेज ली थी इंडिपेंडेंस डे की. तो हमारा रिपब्लिक डे बन गया 26 जनवरी. तो वो तो 50 में कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, बट हमारा रिपब्लिक डे बना 26 जनवरी. ठीक है, तो एक तो ये कि कैसे कैसे बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कब ये प्रॉपर रेडी, व्हाई दे वेटेड फॉर 2 months, कितना टाइम लगा? 2 years 11 months 18 days. इट टुक फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years लगे, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years लगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा? 2 years 11 months 18 days. इज इट अ लिविंग डॉक्यूमेंट? यस. हाउ कैन यू से कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट? बिकॉज अमेंडमेंट्स हो रही है उसमें, वो एक क्लोज्ड बुक नहीं है. मैं आपको बोलूं इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट, साथ में मैं बोलूं इट इज नॉट अ क्लोज्ड बुक. अमेंडमेंट्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम. फिर मैं बोलूं कि इसी में मैं अगर बोल दूं कि डेमोक्रेसी इट मेक्स कंट्री अ डेमोक्रेटिक. अब मैं साथ में नीचे जाके ऑप्शन में बोलूं कि ए एंड बी कौन सी करेक्ट ऑप्शन है बताओ. ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है क्योंकि उसमें मैंने बोला कि इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, फिर मैंने बोला कि अमेंडमेंट्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम. अब इसमें डेमोक्रेसी तो मैच ही नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ए एंड बी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. इसी को मैं रीजनिंग एंड असर्शन में लेके जाती हूँ. इस क्वेश्चन को मैं बोलती हूँ इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. कितना टाइम लगा? 2 years 11 months 18 days. तो अब मैं इतना टाइम कह रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा. ठीक है, साथ में ही मैं कह रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब मैं इसको बोल रही हूँ इट इज नॉट अ क्लोज्ड बुक. आप मुझे बताओ बोथ आर ट्रू, बोथ ऑप्शंस आर ट्रू. यस बोथ आर ट्रू ना. अब मैं साथ में बोलूं कि जो बी ऑप्शन है रीजन, वो असर्शन का है, असर्शन के साथ उसका नो. तो वेरी गुड, यू नो दिस दीज आंसर्स, बोथ आर करेक्ट, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट ना, क्योंकि मैंने दोनों ही ट्रू बोली. अब जैसे मैं बोलूं पंडित नेहरू प्रिपेयर्ड द वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ध्यान से सुनना, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी, बताओ इसमें से कौन सी ऑप्शन गलत है? ए इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट. तो इस वे से आप बताओगे कि बी इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट. तो इस वे के क्वेश्चंस होंगे, कई बार ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगी तो आपको बताना होगा कि दिस ऑप्शन, जैसे अभी मैं बोल लूं कि अपार्थिड वाज फॉलोड इन, अब मैं आपको नीचे बोल दूं जाके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नन ऑफ दीज. साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, इंडिया, अमेरिका, बताओ कितने इयर्स नेल्सन मंडेला स्पेंड इन जेल? 28 इयर्स ऑफ हिज लाइफ इज स्पेंड इन जेल. कितने साल वो जेल में रहे थे नेल्सन मंडेला? ठीक है, तो 28 इयर्स. तो अभी हम कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, नॉट अ क्लोज्ड बुक, अमेंडमेंट कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम. सो व्हाट्स प्रीएम्बल? It's the beginning of the constitution, just like a preface to a book.
preamble starts with which words? We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, democratic republic. Yeah, fit. Declaration of Rights of Man and Citizens. Preamble starts with we the people of India. Yeah, Declaration of Rights of Man and Citizens. We the people of India. वो तो मैंने फ्रांस का बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन का डेक्लरेशन. Sovereign means, ध्यान से सुनना, sovereign means republic. अब मैं बोल रही हूँ जैसे democratic, it totally independent. Totally independent. Does India is sovereign country? Yes. अब मैं आपसे पूछूं कि there is no gap between rich and poor. ठीक है, साथ में मैं बोलूं secular, socialist, democratic. Socialist. The word socialist is added in the constitution by which amendment act? 42nd. 42nd amendment act was passed in 1976. 42nd amendment act was passed in 1976. अब मैं आपसे पूछूं, the word secular is added in the constitution by 42nd amendment act passed in 1976. वो दोनों का ही आपने याद रखना है, socialist and secular. तो it makes मैं बोलूं there is no state religion in India because India is a sovereign country, democratic country, secular country, republic, secular country. It makes India is secular. There is no state religion in India because India is a secular country. Socialist means no gap between rich and poor. Rulers of country are elected by people. Sovereign, socialist, democratic. Democratic. In democratic form of government, rulers are elected by, rulers means representatives. कई rulers ना सोचने बैठ जाना. Are elected by people, ठीक है, through elections. Head of the country is elected by people, though an independent, indirect manner. Sovereign, socialist, republic. Republic. तो ये आपको सारे learn करने हैं. How many fundamental rights are given to the Indian citizens by the constitution? वैसे तो 7 हो चुके हैं, but आपकी book अभी उसको 6 ही बोल रही है, ठीक है? तो नई बुक में अगर आ चुका है देख लेते हैं, अगर नई बुक की एडिशन में एक बार देख लेते हैं तो अभी आप इसको ऐसे ही लर्न करो. विच राइट इज द प्रोटेक्टर ऑफ अदर राइट्स? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. तो कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम अब करते हैं साउथ अफ्रीका का. इन साउथ अफ्रीका देयर वाज अपार्थाइड. कितना टाइम लगा था साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? 2 years. Who was the framer of South African Constitution? Nelson Mandela. Black, कौन कौन इकट्ठे बैठे थे while framing this constitution? Blacks and whites. They all sat together while framing constitution. But earlier there was racial discrimination on the basis of caste, discrimination on the basis of religion, discrimination on the basis of color. बताओ, color. Racial means discrimination on the basis of color. In caste नहीं है, color. In South Africa, blacks were negroes होते हैं ना जो, उनको बोला. They were treated badly by whites. South Africa में तो Indians को भी blacks कहते थे, you know it well ना? कि महात्मा गांधी ने वहाँ पे एक movement launch की थी, that was the सत्याग्रह movement. गांधी जी के साथ भी discrimination हुआ था, तो गांधी जी ने वहाँ पे कौन सी movement launch की थी? Because in South Africa, all Indians and negroes जो थे, they were treated badly by white government. साउथ अफ्रीका में वाइट का रूल था एंड ब्लैक्स वर ट्रीटेड बैडली, सो उनको राइट्स भी नहीं दिए हुए थे. एंड हु रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन? नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंट टू जेल इन 1964. लर्न द ईयर. नेल्सन, आपको लर्न करने की वैसे जरूरत, बाई चांस ईयर भूल जाए ना, तो 1992 में से रिलीज किया था जेल से. बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि साउथ अफ्रीका बिकेम रिपब्लिक इन 1994, पता है ना? तो उसे 2 years कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी लगे थे. तो अब 1992 में से 28 माइनस करो, 1964 आ जाना. इट मीन्स ही वॉज अरेस्टेड इन
क्योंकि आपको एक चीज रटी हुई है कि उसको 28 ईयर्स उसके लाइफ के जेल में बीते थे, पता है ना? तो आपको ये भी पता है कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था 1994 में। ये दो चीजें पता तो आप पक्की कर लोगे। मींस 2 साल कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगे, तो वो रिलीज कब हुआ? 1992 में से उसके 28 माइनस कर दो, 1964 ही वाज अरेस्टेड इन 1960। तो इतने सारे इयर्स लर्न करने की जरूरत नहीं, मेन लर्न कर लो, उसको माइनस करके बना लो। तो साथ में कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स वर विद हिम व्हेन ही वाज अरेस्टेड बिकॉज ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब साउथ अफ्रीका में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, दैट वाज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मींस एक छतरी के नीचे सारे इकट्ठे हुए थे। कौन कौन थे वो? इंडियंस, बिकॉज इंडियंस वर ऑल्सो नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली बाय वाइट गवर्नमेंट। इंडियंस, ब्लैक्स एंड सम वाइट्स, बिकॉज ऑल वाइट्स वर नॉट बैड। कुछ वाइट्स अच्छे थे, दे हैड सिंपथीज विद ब्लैक पीपल। सो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन वॉज ज्वाइंड बाय किस किस ने ज्वाइन की? ब्लैक्स, इंडियंस एंड सम वाइट। सम वाइट्स लिखना, अगर आपने ऐसे, एक मिनट मैं पूछूं, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन वॉज ज्वाइंड बाय, ध्यान से सुनना, इंडियंस, सम वाइट्स एंड ब्लैक्स। ये तो करेक्ट है, ठीक है? अब साथ में मैं बी ऑप्शन में दे रही हूँ, सम इंडियंस। लिसन, ध्यान से सुनना, यही गलत होना है फिर, क्योंकि ऑप्शन मैच हो रही है एक दूसरे से। सम इंडियंस, सम ब्लैक्स, ऑल वाइट्स। अब मैं कह रही हूँ, लिसन अगेन, थर्ड ऑप्शन, सम इंडियंस एंड सम ब्लैक्स, सम वाइट्स, विच इज करेक्ट? क्योंकि सब में मैंने एक, ध्यान से अगर पढ़ोगे तब आंसर पता चलेगा। कंफ्यूजन वाला देखो आंसर, क्योंकि कहाँ पे मैंने बोला है कि सम वाइट्स, ऑल ब्लैक्स, ये चीज ध्यान में रखो। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज ज्वाइंड बाय इंडियंस, सम वाइट्स एंड ब्लैक्स। तो इस वे से आप अगर पढ़ोगे ध्यान से, तो कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आके किसी को भी करेक्ट कर देते हैं, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्मड इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द जेल ऑल्सो, जेल से भी वो स्ट्रगल करता रहा, ठीक है? तो व्हाइट गवर्नमेंट स्लोली एंड स्लोली, कौन सी गवर्नमेंट वीक होती चली गई? व्हाइट गवर्नमेंट बिकेम वीक एंड नंबर ऑफ प्रोटेस्टेंट्स इन साउथ अफ्रीका इंक्रीज, सो गवर्नमेंट हैड टू एग्री विद ब्लैक्स। नेल्सन मंडेला वाज रिलीज फ्रॉम द जेल इन 1992। ही डिसाइडेड टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर साउथ अफ्रीका एंड ही फ्रेम्ड दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन 19, इट टुक हाउ मेनी इयर्स? 2 इयर्स टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर साउथ अफ्रीका एंड ही प्रिपेयर्ड दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन 1994। इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम रिपब्लिक। इन विच ईयर साउथ अफ्रीका बिकेम रिपब्लिक? 1992, 94, 95, 96। व्हाट डू मीन बाय ए एंड सी? ध्यान से सुनना, मैं कौन सी ऑप्शन आपको लगेगी करेक्ट तो आप मुझे बताना। ऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेक्स्ट अफ्रीकन नेशनल कॉपरेशन, अफ्रीकन नेशनलिस्ट कॉपरेशन, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, विच इज करेक्ट? देखा, आ गए ना सारे एक जैसे क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन हैं कि बच्चा वहां पे दिमाग लगाए, क्योंकि एक में मैंने कॉपरेशन बोल दिया, एक में मैंने नेशनलिस्ट एन को बोल दिया, एक में अब मैं बोल रही हूँ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जबकि करेक्ट ऑप्शन इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल, ए एन सी मीन्स ऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस, अफ्रीकन नेशनलिस्ट कॉपरेशन, अफ्रीकन नेशनल कॉपरेशन, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे वाले एमसीक्यूज पे स्ट्रेस देना। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन 1950 ब्लैक पीपल लॉन्च्ड एएनसी,
एएनसी मींस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी? एएनसी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वहां पे, एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 1950। वेयर वाज नेल्सन मंडेला देन? वो तो क्योंकि वो तो 64 में अरेस्ट हुआ ना, तो उनका पार्टी था, ही वाज विद दीस पीपल। कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेट होता था उनके साथ। फर्स्ट इज, एक मिनट अब मैं पूछती हूँ, जैसे उनके साथ कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेट करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ कि इसमें से ना एक ऑप्शन मैं गलत बोलूंगी, आप बताना। कि जैसे मैं बोलूँ कि देयर स्कूल्स ऑफ देयर चिल्ड्रन वर सेपरेट, लिविंग एरियाज वर सेपरेट। फिर मैं बोलूँ कि दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन साउथ अफ्रीका, दे वर फोर्स्ड टू लीव साउथ अफ्रीका। अब आप बताओ कि विच ऑप्शंस आर करेक्ट। ए एंड बी आर करेक्ट। उन्हें फोर्स तो किसी ने नहीं किया लीव करो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ऐसे तो नहीं कहा जैकोबिन्स, जैसे कौन कहता होता था लीव द कंट्री, ज्यूज के साथ हिटलर करता था, वैसा तो नहीं हुआ वहां पे, ऐसा नहीं हुआ। उनको सिर्फ राइट्स नहीं दिए थे, उनके उनको डिस्क्रिमिनेट करके रखते थे, डोमिनेट करके रखते थे वाइट्स। जैसे उनको कहते थे इंडियंस को, ये तो नहीं बोला ब्रिटिश ने लीव योर कंट्री, इंडियंस की कंट्री थी, कैसे कहते। उल्टा ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो साउथ अफ्रीकन की कंट्री में से उन्हीं को थोड़ा निकालना था। तो वो ऑप्शन गलत है बीच में, कि दे फोर्स्ड साउथ अफ्रीकन्स टू लीव कंट्री। कंट्री छोड़ने के लिए थोड़ा बोला उन्हें, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था दे वर ट्रीटेड बैडली, देयर लिविंग एरियाज वर सेपरेट, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है ना। दे वर नॉट फोर्स्ड टू लीव द कंट्री ना, तो वो ये वाली ऑप्शन फिर रॉन्ग है ना। तो इस वे से आपको पढ़ना है वहां पे। अगर किसी बच्चे ने ये वाली ऑप्शन करेक्ट कर दी, देवर फोर्स टू लीव द कंट्री, तो अपने आप सोचना क्या इंडिया में ब्रिटिश ने इंडियंस को बोला था लीव द कंट्री? कहते होते थे कंट्री छोड़ के किधर जाओ, फिर ब्रिटेन तो भेजने से रहे, सारे ब्रिटेन चले जाओ, वैसे भेज देते तो अच्छा होता। चलो नेक्स्ट इज प्रीएम्बल। व्हाट्स प्रीएम्बल? प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, choiceless, democratic republic. तो इसके बाद आपको आ जाता है members. One woman member of the Indian Constitution. चलो अगर मैं ऑप्शन में सरोजनी नायडू देती हूँ, मैं ऐसे देती हूँ, out of these she was the मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लिसन केयरफुली, अब मैं ऑप्शंस बोलती हूँ। विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, दुर्गाबाई देशमुख, नन ऑफ दीज। दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे भी दूं कि आउट ऑफ दीज वुमेन मेंबर, अब मैं बोलती हूँ विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, ठीक है, प्रतिभा पाटिल, नन ऑफ दीज। तो ऐसे ये ना है कि आप एक को करेक्ट करना ही करना है, ये ना सोचना नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो सकता है, ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। आप ये ना सोच के चलना कि आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन को करेक्ट करना हो सकता है, नन ऑफ दीज भी आ जाए। सब तरह के एमसीक्यू के लिए रेडी रहना, आपको किसी भी फॉर्म के एमसीक्यू आएंगे और वो इतने मैच हो रहे होंगे ना आंसर्स, आपने वहां पे दो मिनट एक वो सोचना है कि आपका विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब आप बताना विच ऑफ दीज प्रोविजन that democratic constitution does not have. Listen the options carefully. Democratic constitution में ये option नहीं है। Powers of the head of the state, वो तो है ही है। Name of the head of the state, powers of legislature, name of the country. Country भी है, we the people of India, country तो है ही है। Next, who prepared draft constitution in 1928? Motilal Nehru. Who was the chairman of drafting committee? B.R. Ambedkar.
President of Constituent Assembly after independence, who became the first President of India? Dr. Rajinder Prasad. Who became the first Prime Minister of India? Pandit Jawaharlal Nehru. And women members, Sarojini Naidu. Sovereign means totally independent. Republic means head of the country is elected by people, though in an indirect way. Fraternity means brotherhood. Fraternity means bhai chara, jisko kehte hain. Secular means all religion are treated equally. All religion are treated. Here are some first statements. Identify the mistake in each case. And ye to aate hain. And rewrite these correctly. Aapse rewrite to nahi karayenge. Niche option mein diya hoga ki which word match here. These correctly based on what you have read in this chapter. Ye answer sunna. Constitution cannot be amended because it is supreme law of the country. Can be amended. Or because it is a country that has constitution must be a democracy. Nahin. Can be a country that has constitution can be a democracy. Kyunki kai bar monarchy hum kehte hain constitutional monarchy unka bhi to constitution hai. England ka constitution nahi hai. So but democratic country ke liye it is must. कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है ना तो उसके पास होना ही चाहिए. यहाँ पे क्या है, कंट्री दैट हैज कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी. क्या कंट्री के पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसे डेमोक्रेटिक होना कंपलसरी है? नो. इफ कंट्री इज डेमोक्रेटिक देन इट मस्ट हैव, इसको उल्ट कर दो, इफ कंट्री इज डेमोक्रेटिक देन इट मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. इफ कंट्री इज डेमोक्रेटिक इट मस्ट हैव अ, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ना, तो इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो आप इसी बात को सोचो. If country is democratic, then it must have constitution. Member of Constituent Assembly of India held the same views on all provisions of the constitution. Batao. Fir kyun debates and discussions hue? Maine bola members of Constituent Assembly of India held the same views. Different views the, and that's why various debates and discussions were. कितना एक साल तक तो वो डिबेट्स एंड डिस्कशन ही करवाते रहे जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था. तो अभी आज आप इतना ही पहले जितना आज किया उतना पहले आज आप कर लेना, ठीक है.